हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग फिर से जानने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखिए, मैंने कल की क्लासेस में आपको बताया था डाटा वैलिडेशन में टेक्स्ट लेंथ तक, बोलिए बस एक छोटा सा कस्टम, यही आज हमको पढ़ाना है। सेकेंड पढ़ाना इनपुट मैसेज, थर्ड पढ़ाना है एरर अलर्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कस्टम के बारे में। देखो, कस्टम डाटा वैलिडेशन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम अपने हिसाब से फार्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आसानी तरीके से काम करेगा। जैसे सपोज मान लीजिए, यह जो मेरा सेल है इसमें केवल हमको टेक्स्ट लिखना है, नंबर नहीं लिखना है, समझे। या जो एड्रेस है इसमें केवल हमको टेक्स्ट लिखना है, इसमें नंबर नहीं लिखना है। या जो पिन कोड है केवल इसमें नंबर लिखना है, टेक्स्ट नहीं लिखना है। तो इसके लिए इसमें कोई फार्मूला नहीं दिया है, इसके लिए इसमें कोई फार्मूला नहीं दिया है कि हम तुरंत कर ले। इसके लिए अलग से दो फार्मूला यूज करते हैं। तो एक फार्मूला जो होता है उस फार्मूले का नाम है इज टेक्स्ट, और एक फार्मूले का नाम है इज नंबर। अब पहले समझिए इज टेक्स्ट क्या करता है और इज नंबर क्या करता है। तो इज टेक्स्ट जो फार्मूला है वो टेक्स्ट को चेक करता है, अगर टेक्स्ट है तो बताएगा सही है, नंबर है तो बताएगा गलत है। और इज नंबर क्या बताता है, यह नंबर को चेक करता है, नंबर है तो बताएगा सही है और टेक्स्ट है तो बताएगा गलत है। अब बोले यह कैसे, तो चलो मैं आ जाता हूं और यहीं पे मैं कुछ लिख देता हूं, यहां कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, राहुल, संदीप, मोहन, और कुछ नंबर टाइप कर देता हूं। अब देखो मैं लगाता हूं यहां पे, सबसे पहले लगाऊंगा इज टेक्स्ट, तो इक्वल करूंगा और लिखूंगा इज टेक्स्ट, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, क्या बता रहा है, ट्रू सही है, और ड्रैग एंड ड्रॉप नंबर को फाल्स बता दिया। अगर यहीं पर हम आ जाते हैं, लिखते हैं इक्वल इज नंबर, वैल्यू ब्रैकेट बंद, तो आएगा फाल्स। हो जाएगा, चलो बीच में हम नंबर लिख देते हैं, देखो काम करेगा अपने आप। बोलिए, यह फार्मूला है, यह फार्मूला इज टेक्स्ट का है। यह इज नंबर का है, इसका भी एग्जांपल लिख लो आप लोग, सबसे अच्छा रहेगा, इसी बहाने और वो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बस एक दो लाइन लिख लो, इज टेक्स्ट क्या कर रहा है, इज नंबर क्या कर रहा है। यहां पे आने के बाद एनी वैल्यू दिख रहा है, हम लेंगे कस्टम, क्या है कस्टम, और यहां पे दिया फार्मूला। अब फार्मूला पे यहां पे आएंगे, जो फार्मूला में यहां पर लगाए हैं वही फार्मूला में यहां पर लगा दे, लगाएंगे इक्वल इज नंबर, नंबर वाला है ना रजिस्टर नंबर,
और ब्रेकेट ओपन कर देंगे, और वैल्यू पूछ रहा था ना वहां पे, तो वैल्यू में कुछ देंगे नहीं, बस इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एक पूरा नहीं कोई एक सेल सेलेक्ट कर लो, और एक सेल सेलेक्ट करने बाद से कर देंगे ब्रेकेट को बंद, और एक सेल सेलेक्ट करके ब्रेकेट को बंद करने के बाद से करेंगे यहाँ पे ओके। अब ओके करने के बाद से जब यहाँ पे आएंगे, और देखो हमने लिख दिया गलती से कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया, नंबर टाइप किया, टेक्स्ट नंबर तुम्हारा ना, हाँ आपका लोग ये भी सवाल होगा कि सर अगर गलती से दोनों टाइप कर दिए तो ठीक है, तो अगर दोनों टाइप कर दिए तो इतना समझदार नहीं है को समझ सके, ठीक है अगर नंबर से स्टार्टिंग करोगे कुछ ऐसा आपको देगा मैसेज, समझे ना, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो टेक्स्ट भी टाइप कर दिए नंबर भी टाइप कर दिए तो कई बार ऐसा होता समझता ही नहीं, लेकिन इसमें तो सपोर्ट कर रहा है ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोनों जब टाइप करते समझ नहीं पाता हम क्या करूं, ठीक है यहाँ पे मैसेज दे रहा है और अच्छे से काम कर रहा है ठीक है, टेक्स्ट में कई बार काम नहीं करता है क्योंकि टेक्स्ट में नंबर भी लोग ले लेते हैं और टेक्स्ट भी ले लेते हैं, अभी देखना अब यहाँ पे चलो टाइप कर देते हैं, कह रहा सर नंबर भी टाइप कर दो, देखो क्या कह रहा है हमको नहीं पता चला क्या है, कुछ आंसर दे रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देखो ट्रू दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यह जो टेक्स्ट है ना यह टेक्स्ट में नंबर भी अप्लाई हो जाता है कई बार और वह टेक्स्ट भी अप्लाई हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आ रहा है नंबर तो देखो फाल्स बता दिया है और ट्रू बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो टेक्स्ट भी और नंबर भी, अब देखो टेक्स्ट नंबर दोनों टाइप किया तो देखो ट्रू कर दिया और इसको क्या कर दिया फाल्स कर दिया, समझे ना, मतलब टेक्स्ट में ये समझ नहीं पा रहा क्या करना है, दोनों एक बार टाइप कर रहे हैं ठीक है, और ऐसा जल्दी होता नहीं ठीक है, लेकिन देखो टेक्स्ट में दोनों अप्लाई हो जाता है लेकिन नंबर में दोनों अप्लाई नहीं होता है, और यहाँ पे आएंगे अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लगाना हमको टेक्स्ट लगाना है, क्लिक कस्टम इक्वल इज टेक्स्ट, सेल सेलेक्ट ब्रैकेट बंद नंबर टेक्स्ट कर रहा काम, क्यों मतलब टेक्स्ट कहता है नंबर भी लोगे टेक्स्ट भी लोगे दोनों काम करेगा, आपको सर फार्मूले का लगाने का क्या यूज है, मतलब केवल अगर स्पेशल केवल नंबर टाइप करोगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन टेक्स्ट और नंबर दोनों टाइप करोगे तो टेक्स्ट कहता है कि नंबर को भी सपोर्ट करेंगे और टेक्स्ट को भी सपोर्ट करेंगे, नहीं समझाया, टेक्स्ट हाँ बोलो क्या कर बताओ, हाँ क्यों मुस्कुरा रहे, बोलना रहे बोलो, मजा आ गया, चलो ध्यान दो यहाँ पे जो टेक्स्ट फार्मूला है कहता है कि अगर स्टार्टिंग में नंबर टाइप कर दोगे और बीच में कुछ टेक्स्ट टाइप कर दोगे तो समझ जाएगा टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए वो ट्रू मान लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब टेक्स्ट वाले फार्मूले में टेक्स्ट नंबर दोनों टाइप करोगे एक साथ तो उसको ट्रू मानेगा और वो काम करेगा, लेकिन नंबर वाले में ऐसा काम नहीं कर रहा है ठीक है, लेकिन केवल स्पेशल केवल नंबर टेक्स्ट में टाइप करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट ही केवल टाइप करना हो, समझा ना, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों काम करता है, मतलब कभी कोई ऐसा भी आ सकता है कि टेक्स्ट भी लिख सकते हैं वो नंबर भी लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट फार्मूला लगाइए और केवल नंबर लिखेगा तो मान मत करना उसके लिए भी टेक्स्ट फार्मूला लगाइए, और केवल नंबर अप्लाई करना है तो उसके लिए नंबर फार्मूला लगाइए, क्योंकि जब हम लोग आगे एक्सेस पढ़ेंगे ना तो नंबर पे 10 अंक से ज्यादा लेता है, और जब वही टेक्स्ट ले लेते हैं तो नंबर में भी 10 अंक से ज्यादा ले लेता है, तो टेक्स्ट में दोनों समझ लेता है कि इसको भी नंबर को भी टेक्स्ट समझ लेता है और टेक्स्ट को भी टेक्स्ट समझ लेता है, लेकिन दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो, अगर अलग अलग अप्लाई करेंगे तो चेक करेगा तो अलग अलग डिवाइड करेगा, लेकिन नंबर में चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो दोनों बार चेक करके तुरंत बता दे रहा है इन वैली इन वैली इन वैली, क्लियर है, तो चलिए दोनों लिख लीजिए कहाँ जाएंगे क्या करें, अब इसके साथ साथ डाटा वैलिडेशन में अब जो ये ऑप्शन दिए गए इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट क्यों दिया इसको समझना, जो इनपुट मैसेज है
जैसे मैं सोच रहा हूं कि हम अपने लिए जब भी उस सेल में हम कुछ टाइप करने जाएं, ध्यान दो, जब भी हम यहाँ पे टाइप करने जाएं तो हमको क्या लिखना है पहले ही हमको मैसेज ग्रुप में बता दे, जिससे गलती होने से पहले ही हम लोग सुधार कर लें और उसको सही से टाइप करें। अलर्ट नहीं है, मैसेज देगा आप, अलर्ट अलग है, लास्ट में वो अलर्ट देगा, ठीक है। इनपुट मैसेज का मतलब क्या है कि हम क्या शो कराना चाहते हैं उस सेल में क्लिक करते समय, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इनपुट मैसेज का यूज करते हैं। तो चलो हमने कर दिया टाइटल, तो टाइटल हमने बता दिया वैलिड, मतलब क्या वैलिड होगा, तो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज क्या दिखाऊं, ठीक है। तो उन्होंने बताया उन्होंने टाइप कर दिया ओनली नंबर अलाउ और कर दिया हमने ओके। तो देखो क्या हुआ है, मतलब जहां पे हमारा कर्सर वहीं पे आया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करे तो क्या आ रहा है, वैलिड ओनली नंबर अलाउ। तो वैसे ही इसमें केवल नंबर अलाउ करना है, तो फार्मूला तो पहले तो लगा ही लगा है, कुछ नहीं करना है, बस डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, यस कर दो, और इनपुट ये तो सेटिंग जो रहने देंगे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे लिख देंगे वैलिड डाटा कर दो, बस। अब फायदा यह होगा इस बीच में कहीं जब यहाँ पे क्लिक करेंगे बताएगा भाई ओनली नंबर अलाउ, ओनली नंबर अलाउ। तो जैसे अब आंख बंद करके लिखो तो बात अलग है, नहीं तो यहाँ पे अगर आंख खुला हुआ है तो देख रहा है कि नंबर ही लिखना है, तो भाई बोलो। तो यह मैसेज देता कौन, डाटा वैलिडेशन। और ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट क्यों लिखना है, तो बस यहाँ पे वैलिड मैसेज पे आना और लिख देना इसको भी वैलिड डाटा। बस दिख रहा है आपको, लेकिन एक बात और, अगर मान लो मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दी और टाइप कर दी, तो टाइप कर रहे तो क्या हो रहा है, यहाँ मैसेज दे रहा है, तो इसे बोलते हैं या एरर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मतलब काम कर रहे हैं और लास्ट में या मैसेज जो दे रहा है उसे बोलते हैं एरर दे रहा है, ठीक है। तो देखो लिखा है ना, द वैल्यू इज इंटर इज नॉट वैलिड, हम सोच रहे जो एरर दे रहा है अपने हिसाब से दे रहा है, हम अपने हिसाब से एरर शो कराना चाहते हैं कि अगर हम गलत करें तो मैसेज क्या दे, क्या दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फिर से पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा, डाटा वैलिडेशन पे आना होगा, एरर अलर्ट। अब पहला ऑप्शन दिया स्टाइल क्या होना चाहिए, तो देखो तीन ऑप्शन दिया है, एक स्टॉप, एक वार्निंग, एक इंफॉर्मेशन, मतलब स्टॉप में एकदम रोक देगा, नहीं सही होना चाहिए तो सही होना चाहिए, गलत हम करने नहीं देंगे, लेकिन वार्निंग में हम चेतावनी दे देते हैं फिर भी वो काम कर लेता है, बाद में जाके फिर से पिटाई होता है उसका, ठीक है। तो वार्निंग देगा फिर भी इग्नोर लोग कर देते हैं, और एक है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देगा तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो कर सकते हो नहीं चाहोगे तो हटा सकते हो, इसीलिए हमेशा बाई डिफॉल्ट क्या रहता है स्टॉप, मतलब जो है वही करी, हम वार्निंग चेतावनी नहीं देंगे, सीधे सजा देंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे टाइटल दे दिया और लिख दिया क्या वैलिड डाटा, और वैलिड डाटा देने के बाद से यहाँ पे एरर क्या दिखाना चाहते हैं, हम बताएंगे ओनली टेक्स्ट अलाउ। हाँ जिसमें लगाना लगा दो या लिख लो, जो लिखोगे वही आएगा, कि खाली टेक्स्ट लिखे एक बार तो वही आएगा, ठीक है, मतलब जो भी लिखना है लिख दो। हाँ नंबर नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती से अगर गलती करते हैं हम लोग, नंबर टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, पहली डाटा मल्ली टेक्स्ट अलाउड, जो लिखोगे वही आएगा, हाँ का जो लिखोगे वही अलग करेगा, काहे नहीं समझे, जी, ठीक है। तो यह लगभग ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे आपको कि ये डाटा वैलिडेशन में सेटिंग का क्या यूज है, इनपुट मैसेज का क्या यूज है, और एरर अलर्ट का क्या यूज है। चलो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब देखो जैसे हम टाइप करते हैं तो एरर दे रहा ना जी,
अब कहेगा रिट्राई करो या आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। लेकिन यहीं पे अगर सेलेक्ट कर ले और यहां पे ले ले क्या वार्निंग, कुछ भी टाइप कर देते हैं। देखो अगर हम नंबर टाइप कर दे, इंटर दबाएंगे, नहीं ले रहा है ना, बोलो वार्निंग भी मैसेज नहीं दे रहा है। लेकिन वही कर दे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके, होगा कोई दिक्कत जी जी, मैसेज कभी भी जी जी, बिना फार्मूला कहाँ इसमें फार्मूला लगाया, देखिए हो जाएगा बाबू।